जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। जी हाँ, आप सभी को स्वागत करता हूँ स्टूडेंट फरमाइश पे। आज हम कुछ ऐसा डिस्कस करने वाले हैं जो अभी अभी रिसेंटली न्यूज़ में एक हिस्ट्री का डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यूथानेशिया, यूथानेशिया के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ये यूथानेशिया है क्या और भारत में इसे क्यों लाया गया, इसकी क्या जरूरत पड़ी, इसकी हिस्ट्री क्या थी, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और ये 3 दिन पहले क्यों खत्म हो गई दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यूथानेशिया एक्चुअली में है क्या। ये आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये ऐश्वर्या राय है और ऋतिक रोशन है। इनका एक फिल्म निकला था दोस्तों, अगर आपको याद होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2010 की बात कर रहा हूँ मैं। गुजारिश, गुजारिश एक नामक एक फिल्म निकला था, काफी सुंदर मूवी थी। यहाँ पे ऋतिक रोशन ने एक मैजिशियन का रोल प्ले किया था दोस्तों, और एक ऐसा मैजिशियन जो लोगों को खुश कराता था, लेकिन उन्हें भी देखो ना, जैसे किस्मत सबकी फूटी रहती है, उन्हें भी एक ना एक दिन जाना था दुनिया छोड़ के। लेकिन आज मैं भी, आप भी, हर कोई इस संसार में जो जीवन लिया है वो एक ना एक दिन तो मरेगा दोस्तों। लेकिन जो मृत्यु आती है, जो डेथ होती है दोस्तों, वो पीड़ा नहीं होना चाहिए। वो पीड़ा जब बन जाती है तो मृत्यु से पहले ही मृत्यु आ जाती है दोस्तों। तो इस फिल्म में, गुजारिश की फिल्म में, ऋतिक रोशन को स्पाइनल इंजरी हुआ था और इस स्पाइनल इंजरी के चलते वो काफ़ी बेड में पड़े हुए थे, और उन्होंने कोर्ट में जाके एक अपील की थी कि ये जो पेन है, ये जो पीड़ा है, ये जो दर्द है, ये मुझसे सहा नहीं जाता, और आप मुझे स्वेच्छा मरने की मुझे परमिशन दे दो। ये सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपना गुजारिश रखा था दोस्तों। लेकिन इनकी जो गुजारिश थी, आप अगर फिल्म देखे होगे तो आपको पता चल गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ये फिल्म काफ़ी उस वक्त चर्चा में थी, ये मर्सी किलिंग के बारे में इन्होंने अपील की थी। तो ऋतिक रोशन जी ने इसे बेहतरीन तरीके से यूथानेशिया को कवर किया हुआ है। तो बस ये याद दिलाने के लिए मैंने आपको सिर्फ एक दो स्लाइड्स इनके नाम पे बता दिया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, और ये जो लेडी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थी 2011 में, और 37 ईयर्स एगो की बात कर रहा हूँ मैं। सी इज नन अदर देन अरुणा सोनबॉग। अरुणा सोनबॉग एक साहसी महिला थी। साहसी इसलिए नहीं कहूँगा कि उन्होंने बॉर्डर पे जाके अपना देह को त्याग कर दिया था या अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, ऐसे मैं नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। ये जो लेडी हैं, इनके चलते ही यूथानेशिया, या हिंदी में कहते हैं इच्छा मृत्यु, ये शुरुआत इनसे ही, ये कहानी इनसे ही शुरू हुई थी दोस्तों। तो आओ चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये कहानी कैसे और कहाँ से शुरू हुई थी। ये बस एक स्लाइड मैंने ये कहानी के लिए मैंने आपको सभी को समझाने के लिए करवा रहा हूँ फ्रेंड्स। 1973 में, अगर आपको याद होगा, 1973 में अरुणा सोनबॉग एक नर्स थी, और ये एक मतलब हॉस्पिटल में काम करती थी। वो हॉस्पिटल का नाम था दोस्तों एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, KEM। लेकिन उनकी किस्मत में एक दरिंदे वाले किस्म का एक इंसान आ चुका था दोस्तों। वो इंसान था सोहनलाल वाल्मीकि। वो मुंबई में रहने वाला था और ये हॉस्पिटल में मुंबई में ही है। तो अरुणा जी को सेक्सुअली असॉल्ट किया था सोहनलाल वाल्मीकि ने, और ठीक उसके अगले ही दिन यानी नवंबर 28 को मुंबई पुलिस ने सोहनलाल वाल्मीकि को अरेस्ट किया था दोस्तों। और उसके अगले ही दिन अरुणा जी सी वॉज पैरालाइज्ड, उन्हें पैरालिसिस हो गया, डेफ, और वो फिर कोमा में चली गई दोस्तों। फिर अगले ही साल 1974 में वाल्मीकि के ऊपर केस आया। वो देखो ना कैसा केस था, सिर्फ एक छोटा सा रोबरी केस और अटेम्प्ट टू मर्डर वाला केस, लेकिन उनके ऊपर रेप केस का बिल्कुल भी चार्जशीट नहीं लगा। उन्हें उस इंसान को 7 साल का सजा मिला, और 7 साल जैसे ही बीतने के बाद 1980 में, 1980 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वाल्मीकि जब वापस जेल से चले आया तो वो फिर और एक दूसरे हॉस्पिटल में काम करने लगा, क्योंकि उससे पहले जो जिस हॉस्पिटल में
अरुणा जी के साथ ये गंदी चीजें हुई थी, उसी हॉस्पिटल का वो वार्ड बॉय था या क्लीनर बता सकते हो, सोहन लाल था। तो 7 साल का जेल की चक्की पीसने के बाद 1980 में जब उसने बाहर निकला, जब वो बाहर आया दोस्तों, तो उसी वक्त क्या हुआ कि कुछ म्यूनिसिपल बॉडी ने अरुणा जी की जो बॉडी है, मतलब वो कोमा में थी, तो उसको बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। तो काफ़ी नर्सेस ने इसे प्रोटेस्ट किया था। फिर 2009 में जब अरुणा स्टोरी बोल के एक बुक है, उनके नाम से एक बुक पब्लिश हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई थी कि अरुणा अब बहुत जिंदगी से संघर्ष कर रही है, पीड़ा दर्द इन सभी चीज़ों से वो उभरने की कोशिश कर रही है, लेकिन खुदा उसे ये मौका नहीं दे पा रहे हैं कि उन्हें उनके पास ले जाएं। तो जनवरी 24 में उन्हीं के एक दोस्त थे, अरुणा की एक फ्रेंड थी पिंकी वीरानी, पिंकी वीरानी वीरानी ने, वो एक जर्नलिस्ट थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील अर्ज की कि आप जाइए और देखिए कि अरुणा की जो स्थिति है वो बहुत खराब है, और आप उन्हें जिस पीड़ा या दर्द में आप उन्हें छोड़ दिए हो, उससे बेटर यही होगा कि आप उन्हें इच्छा मृत्यु दे दीजिए। तो मार्च 7 में, उसी साल 2011 मार्च 7 में सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा की जो फ्रेंड पिंकी वीरानी की अर्जी को खारिज किया, और उन्हें मर्सी किलिंग का पिटीशन को उन्होंने खारिज कर दिया दोस्तों। और ठीक 4 साल के बाद मई 18, 2015 में 42 ईयर्स की संघर्ष करने के बाद अरुणा शॉनबॉग अपना जीवन त्याग करके इस दुनिया छोड़ के चली गई दोस्तों। 42 ईयर्स वो कोमा में थी और उसके बाद उन्होंने अपना जीवन को त्याग किया। मतलब एक इंसान 42 ईयर्स जेल में नहीं रह सकता, लेकिन वो इंसान 42 ईयर्स जीवन से संघर्ष कर रहा था, कोमा से जूझ रहा था, और फिर उसने मई 18, 2015 में अपना देह को त्याग कर दिया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझने का प्रयास करते हैं कि ये यूथानेशिया के बारे में तो हमने जान लिया कि यूथानेशिया इंडिया की जो शुरुआत थी वो कैसी हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ये उस वक्त की एक आर्टिकल है, ये आज का आर्टिकल नहीं है दोस्तों, ये 2000 मैं बात कर रहा हूँ 2009 या 10 की ये आर्टिकल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो एक काफी मायूस करने वाली एक स्टेटमेंट दिया गया था तब, आनंद सोनबोग अरुणा सोनबोग की वो ब्रदर थी, उन्होंने ये कहा था उस वक्त स्टेटमेंट में, सी वॉज ब्यूटिफुल, वो काफी सुंदर थी, बट टुडे व्हेन आई सॉ हर आई ऑलमोस्ट विश्ड दैट गॉड गिव्स हर ए क्विक डेथ टू एंड हर ओडियल। ये 2010 में अरुणा को देखने के बाद आनंद सोनबोग ने ये स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि अरुणा काफी सुंदर थी, आज भी वो सुंदर है, आज भी वो सुंदर लग रही थी दोस्तों, और लेकिन मुझे ये सहन नहीं हुआ, ये मुझे मुझसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई कि अरुणा जिस पीड़ा से अब गुजर रही है, उससे बेटर यही है कि भगवान उसे ले ही जाए उनके पास। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये तो वही गुजारिश फिल्म का, मूवी का एक मतलब यहाँ पे आर्टिकल छपा हुआ था तब, वो काफी चर्चा में थी तब। अब अगर आगे बढ़े तो हम जानने के प्रयास करते हैं कि यूथानेशिया कितने प्रकार होते हैं, ये इच्छा मृत्यु जो होती है ये कितने प्रकार होती है। इच्छा मृत्यु एक्चुअली दो प्रकार की होती है, एक तो एक्टिव यूथानेशिया और दूसरा होता है पासिव यूथानेशिया। अब ये एक्टिव और पासिव का मीनिंग क्या है दोस्तों, मैं थोड़ा आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। एक्टिव का मीनिंग यही होता है कि मान लीजिए कि एक इंसान दर्द से मर रहा है, वो इंसान काफी पीड़ा में है, काफी पेन में है, काफी सफर कर रहा है अपनी जिंदगी में और जूझ नहीं पा रहा है उस बीमारी से या कुछ भी, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि उन्हें सीधे ये इंजेक्शन दे देते हैं, कि ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो उन्हें सीधे डेथ की ओर ले जाता है दोस्तों, एक इंजेक्शन उसके बाद जीवन खत्म। तो ये एक्टिव यूथानेशिया होती है, ये इंडिया में लीगल नहीं है, किसी किसी कंट्री में लीगल है ये, बट फिलहाल हमारे जो जो देश है वहाँ पे पासिव यूथानेशिया लीगल है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ पासिव यूथानेशिया होता क्या है, ये न्यूज़ में थी, आपने द हिंदू आर्टिकल में पढ़ा होगा और काफ़ी कुछ आर्टिकल्स में रेफर करके मैं आप सभी को बता रहा हूँ। द पासिव यूथानेशिया होता क्या है दोस्तों, कि मान लीजिए कोई एक पेशेंट है वो डायलिसिस करा रहा है, और आप सभी को तो पता ही होगा डायलिसिस होता क्या है, किडनी जब खराब हो जाते हैं तो एक इंसान
महीने या 2 महीने में एक बार तो जरूर जाता है और डायलिसिस करा लेता है। तो पासिव यूथानेशिया क्या होती है, मैं बस इसे एक एग्जाम्पल के तौर में आप सभी को समझा रहा हूं। वो इंसान को डॉक्टर डायलिसिस मशीन से हटा देता है, मतलब उसे डायलिसिस नहीं कराता है, तब वो इंसान कितना दिन बचेगा? वो धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाएगा दोस्तों। मतलब पासिव यूथानेशिया क्या होती है, इनडायरेक्ट मौत, ये होती है इनडायरेक्ट किलिंग। ये भी किलिंग होती है लेकिन इनडायरेक्ट किलिंग होती है। जितने भी आपको मेडिकल एड की सुविधाएं दिया गया होगा उन सबको स्टॉप कर देना। अगर आप वेंटिलेशन पे हो तो वेंटिलेशन बंद कर देना, अगर आप डायलिसिस करा रहे हो डायलिसिस की इक्विपमेंट आप सभी को प्रोवाइड नहीं कराना, तो ये पासिव यूथानेशिया होती है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, इंडिया में पासिव यूथानेशिया को मतलब लीगलाइज किया गया है दोस्तों। और इंडिया, जैसे कि मैंने अभी बोला कि इंडिया मेड हिस्टोरिक डिसीजन ऑन पासिव यूथानेशिया, ये पासिव यूथानेशिया की एक बस एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हो दोस्तों कि ये एक स्विच है और स्विच में ये वायर जैसे जाएगी तो ये काम करेगी। ये वायर जो है ना दोस्तों, ये वायर से सपोज मान लो ये वायर से कोई इंस्ट्रूमेंट चलती है, मान लो हीटर चलती है, ठीक है। ये जब तक इसमें है, जब तक इस सॉकेट के अंदर है, तब तक इसे करंट मिल रहा है, हीटर चल रही है। और जब ये स्विच से ही ये सॉकेट से ही जैसे इसे दूर किया जाएगा तो ये हीटर काम करना बंद कर देगी। ठीक उसी तरह जैसे कि डायलिसिस पेशेंट को डायलिसिस मशीन देना बंद कर देंगे तो वह इंसान मर जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, ये प्रोज और कॉन्स की अगर हम बात करें दोस्तों, आपको पता ही होगा काफी धर्मों में ये कहा गया है कि जीवन और मौत तो ऊपर वाला की के ही हाथ में होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि ये अच्छा भी है और बुरा भी है दोस्तों, इसके 2 साइड्स हैं, इसके 2 इफेक्ट्स हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके प्रोज क्या है। इसका प्रोज ये है दोस्तों कि पहला तो ये है कि एक इंसान जो जितने पीड़ा या सफरिंग में होगा, वो इंसान अपना अगर अपना शरीर को अगर त्याग कर देता है तब वो इंसान कह सकते हो कि हमने उसे मुक्ति दिला दी फ्रेंड्स। लेकिन अगर हम इसके कौन की बात करें तो एक बात आप सभी से कहना चाहता हूं, जीवन का नाम ही संघर्ष है दोस्तों। अगर हमने इस यूथानेशिया को अगर लीगलाइज करा दिया दोस्तों तो मुझे नहीं लगता कि संघर्ष नामक जो शब्द है वो शब्द कोश से दूर ही हो जाएगी दोस्तों। हमें लड़ना सीखना होगा, हमें हर चीज पर लड़ना सीखना होगा और हर चीज के लिए, थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए अगर हम इच्छा मृत्यु की गुहार लगाएं, अगर हम इच्छा मृत्यु की जो इच्छा प्रकट करें सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो ये बिल्कुल भी जायज नहीं होगा दोस्तों। तो ये कुछ कॉन्स हैं। और काफी धर्मों में तो ये भी माना जाता है दोस्तों कि जैसे मैंने आपको बताया तो जीवन और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। मैं आप सभी से एक चीज और एक शेयर करना चाहता हूँ। आर्टिकल नंबर 21 में अगर आपने देखा होगा दोस्तों, आर्टिकल 21 कहता है इट इज ऑल अबाउट राइट टू लाइफ, इट इज ऑल अबाउट राइट टू लाइफ एंड राइट टू लाइफ दैट इज विद डिग्निटी, सम्मान के सहित आपको रहना का जो अधिकार है वो सरकार दिया है दोस्तों। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किया, अगर राइट टू लाइफ मेरा अधिकार है तो मरने का भी अधिकार मेरा ही होना चाहिए। तो राइट टू डाई को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है दोस्तों। दैट मीन्स राइट टू लाइफ अगर मेरा अधिकार है तो राइट टू डाई भी मेरा अधिकार होना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों ये डिसीजन, मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पूछो पर्सनली तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया सही कदम के और गया है दोस्तों। और जो चीज मैं आप सभी से कह देना चाहता हूँ, ये जो डिसीजन लिया गया था ये सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की एक बेंच ने डिसीजन लिया था और इसे 4-1 से पास किया गया था। दैट मीन्स 4 जजेस वर सेटिस्फाइड विद द डिसीजन और एक जज उन्हें पसंद नहीं हुआ ये डिसीजन। एंड दिस बेंच वॉज हेडेड बाय एज यू नो आवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा जी इन्होंने इसे हेड किया था और 4-1 से ये लॉ, आप बता सकते हो ये राइट टू डाई दैट इज पासिव यूथानेशिया को इट वॉज लीगलाइज्ड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहला कंट्री कौन सा था। ये स्टिल एक डिबेट है, मैंने जैसे कि यहाँ पे स्लाइड में रखा है, ये आज भी एक डिबेट है तो इस पे और ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। यूथानेशिया एक डिबेट है मानता हूँ दोस्तों, लेकिन सबसे पहला जो कंट्री था
जो कि मैंने आप सभी को कहा हुआ है, जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, नीदरलैंड, नीदरलैंड 2002 में यूथानेशिया को लीगलाइज किया था दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो आप मेरे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि यूथानेशिया इज इट दी राइट डिसीजन दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज टेकन। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।